एक बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं उठाएगी, इसके लिए नहीं कार्रवाई करेंगे। बस यहाँ से ले जाके गवर्नमेंट दे दो, वहाँ पे चाइल्ड लाइन वाले क्या करते बच्चे के साथ, कैसे रखते, कैसे बच्चे लाए। सर अभी एक मामला बच्चे से संबंधित आया हुआ है, क्या जानकारी है और क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए जो सिचुएशन थी, जो सूचना गई थी वो ये थी कि किसी बच्चे को घर पे बंद किया गया है और बच्ची निकलने के लिए परेशान है, तो उसको स्थानीय लोगों ने सीढ़ी वगैरह लगा के उसको बच्ची को उतारा। तो सिचुएशन ये है, जैसे बच्चे को कल से 8 बजे से सूचना मिली कि बंद किया गया है, तो बच्ची थाने पर आ गई है। तो जो भी डिसीजन होगा, बच्चा चाइल्ड लेबर है ये तो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है, लेकिन जो आगे की कार्यवाही है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत वो निर्धारित करेंगे। और अगर बच्चे के माता पिता नहीं हैं, वाकई में ये लोग रखना चाह रहे हैं, तो इनको फिट पर्सन घोषित किया जाएगा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत। वो बाल कल्याण समिति का कार्य है, अगर वो चाहेंगे तो इनकी रिपोर्ट्स के आधार पर और इनका जो भी जांच है उसके उपरांत इनको सौंप सकते हैं। और बच्चे का, क्योंकि जिसका कोई नहीं है उसकी जिम्मेदारी राज्य की है, और ज़िले में उस बच्चे की जिम्मेदारी लीगल गार्जियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है, तो जिसका जो भी होगा जिम्मेदारी होगी और हम लोग अपना कार्य करते हुए पूरा करेंगे। सर इस कार्यक्रम को पूरा करने में कितना समय लग जाएगा? इस बच्ची को तो अभी हम रात में ही प्रस्तुत कर देंगे, और जो प्रक्रिया है कल कोर्ट 2 बजे बैठेगी, तो 2 बजे बैठने के बाद जैसे ही होगा तो सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि इसके 4 बहनें हैं 2 भाई हैं, तो उनसे भी हमें बातचीत करना ज़रूरी है और स्थानीय लेवल पे भी इनकी एक रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी कि वाकई में इनका स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है, उसके हिसाब से ही कार्रवाई हो सकेगी। तो इसके बिना अभी तो चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, इसके बाद ही कुछ निर्धारित हो सकेगा।